ओम शांति। 22/8/2022। आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत, कविता आदि की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर है, जब बाप दुखों से अथवा पांच विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुखहर्ता सुखकर्ता, तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? जब बच्चे दुखी होते हैं तो उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया शापित करती, बाप आते हैं वर्षा देने। गीत है, जो पिया के साथ है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है, सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। वरदान, एवर रेडी बन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।